हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम फिजा शेख और मैं यहाँ व्लॉगिंग करती हूँ। टाइम हो रहा है 7:15 और शाम का टाइम होने वाला है, मगरिब होने वाली है। और मौसम वैसे भी थोड़ा बेहतर था अल्हम्दुलिल्लाह, गर्मी से थोड़ा सुकून आया हुआ है। और ये है मेरे नाश्ते के बर्तन जो कि हमने आज बहुत लेट किया था, 1 बज गया था हमें तो, हमने बहुत लेट किया था तो उसकी वजह से ये है। फिर उसके बाद मैं काम में लगी हुई थी। अब मैं क्या करने लगी हूँ, अब मेरे जो आलू हैं इनको मैं छील के कटिंग करने वाली हूँ और चढ़ा के फिर मैं बर्तन धोऊँगी।
ये चूजा अंदर आ गया, इसको लेके जाओ। मनाहिल मेरा बना फ्रेंड क्या किस तरह थोड़ा अलग कुछ अलग नहीं है, सिर्फ कटिंग अलग हुए और ना मेरे पास वही मसाले हैं अभी, तो वही बन सकते हैं अभी, क्या कर सकते हैं। Thank you.
आलू मैंने धो के इसमें डाल दिए हैं, इस तरह की कटिंग किए हैं मैंने। अब इसमें ऑयल डालूंगी, बाकी मसाले वगैरह डालती हूँ, बाकी तो चूल्हे नहीं पकाना है। इसमें मैंने प्याज नहीं डाली है, जस्ट इसको डायरेक्ट मैंने ऐसे ही कर दिया है। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ नमक। वही नमक, वही कुटी लाल मिर्च। वही नमक, वही जीरा। और कुटी लाल मिर्च। ढक के रख देते हैं, ये वाले आलू जल्दी हो जाते हैं क्योंकि ये मैंने बहुत छोटे छोटे कटिंग किए हैं इसलिए। ये आलू जो है ना, छोटे काटने का मकसद ये है कि ये एक तो फ्राई होंगे, दूसरा ये छोटे होने की वजह से जल्दी से गल के क्रिस्पी होना शुरू हो जाते हैं ये, तो ये जल्दी गल जाएंगे। आलू गल चुके हैं और अब क्रिस्पी होने के लिए, नीचे लगने के लिए तैयार हैं, मतलब ये रेडी हो चुके हैं आलू और इसको खाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भूख लग रही है अब तो, इसको देख के और लग गई है।